यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो इसके लिए एसबीआई के द्वारा 2000 पदों के लिए नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन जो है यहां पर आमंत्रित किए गए हैं। सो 2000 पद इस बार जो है यहां पर निकाले गए हैं। इस वीडियो में एसबीआई पीओ के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, परसेंटेज क्या चाहिए, क्या ग्रेजुएशन के जो फाइनल ईयर में अपेयरिंग कैंडिडेट है वो भी आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा कितना होता है, कितनी बार आप परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम की तरह यहां पर अटेम्प्ट का भी प्रतिबंध होता है, यानी कि अटेम्प्ट भी काउंट होते हैं, एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, चयन की पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, सैलरी कितनी मिलती है और ज्वाइन करने के बाद पोस्टिंग कहां मिलेगी, एग्जाम सेंटर कौन से रहेंगे और तैयारी यानी कि प्रिपरेशन कैसे करें, डिटेल्ड में संपूर्ण जानकारी हम यहां पर समझने वाले हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगर आप एसबीआई में बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन कहने का मतलब है बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या बी फार्मा, बीबीए, बीसीए, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में। नाउ क्या ग्रेजुएशन के फाइनल जो अपेयरिंग कैंडिडेट है जो फाइनल ईयर में है, क्या वो भी आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त ये रखी गई है कि 31 दिसंबर 2023 से पहले आपका जो एग्जाम है यहाँ पे यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है पास होना चाहिए। राइट, नाउ कितनी परसेंटेज चाहिए होती है, तो परसेंटेज का यहाँ पर जो है कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं दिया गया है, ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। काफी सारे कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि 60% वाले ही आवेदन कर सकते हैं, तो ऐसा एडवर्टीजमेंट कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि केवल 60% वाले ही आवेदन कर सकते हैं, केवल ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट को लेकर काफी ज्यादा जो है संशय होता है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कम से कम 21 और अधिकतम 30 वर्ष की जो है यहाँ पर आयु सीमा होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 3 वर्ष की आपको छूट मिल जाएगी, अगर आप एससी एसटी से हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी, अगर आप दिव्यांगजन हैं और दिव्यांगजन आप जर्नल या ईडब्ल्यूएस के हैं तो 10 वर्ष की छूट मिलेगी, अगर आप दिव्यांगजन ओबीसी के हैं तो 13 वर्ष की छूट और अगर आप दिव्यांगजन एससी एसटी के हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन को 5 वर्ष की छूट यहां पर दी जा रही है और आयु की गणना जो कि आपको बहुत ही ध्यान में रखना है 1 अप्रैल 2023 से आपकी आयु 21 से 30 वर्ष या जो यहां पर दी गई है वो होनी चाहिए। अच्छा जी, कितनी बार इस परीक्षा को आप दे सकते हैं, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि परीक्षा देने का मतलब क्या है, आपके जो ये चांस है वो कब काउंट होंगे। तो जब आप प्री एग्जाम जो है देते हैं तो आपकी जो है ये काउंट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अपियरिंग इन प्री एग्जाम विल नॉट बी काउंटेड ए चांस, जब आप मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम देते हैं तब आपका चांस काउंट होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जर्नल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट है, जो जर्नल जो ईडब्ल्यूएस जो दिव्यांगजन है उसके लिए 7 अटेम्प्ट है, ओबीसी और जो दिव्यांगजन है ओबीसी का दोनों के लिए 7 अटेम्प्ट है, 7 बार इस परीक्षा को आप दे सकते हैं। एससी एसटी दिव्यांगजन और एससी एसटी के लिए जो है किसी भी प्रकार का यहाँ पर अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, जब तक उनकी उम्र सीमा है वो यहाँ पर परीक्षा दे सकते हैं। नाउ इस प्रश्न का उत्तर आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें, यहाँ पर एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, नई दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई या मुंबई, तो इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। अब शेड्यूल देख लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन 7 सितंबर से प्रारंभ हो चुके हैं और 27 सितंबर तक चलेंगे, लगभग 20 दिन। ठीक है, आपको कॉल लेटर सेकेंड वीक अक्टूबर के जो है यहाँ पर प्री एग्जाम के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑनलाइन प्री एग्जाम आपका नवंबर 2023 में होगा, रिजल्ट आपका नवंबर दिसंबर में आएगा, फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, कॉल लेटर नवंबर दिसंबर में आएगा और मेन एग्जाम आपका दिसंबर या जनवरी 2024 में होगा, रिजल्ट आपका दिसंबर या जनवरी में ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फेज 3 जो होता है उसके कॉल लेटर जनवरी फरवरी में मिल जाएंगे, यानी कि रिजल्ट आपका फाइनल यहाँ पर फरवरी से मार्च 2024 तक जो है आपको यहाँ पर ये रिजल्ट मिल जाएगा। राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ एग्जाम की कितने स्टेज होते हैं, तो 3 स्टेज में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले फेज 1 जिसको आप प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं, फिर फेज 2 जिसको आप मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम और उसके बाद फेज 3। अब चयन प्रक्रिया किस प्रकार की रहती है, तो देखिए सबसे पहले जो फेज 1 एग्जाम होता है वो 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, प्री एग्जाम इसको बोलते हैं, प्रिलिमिनरी प्रारंभिक परीक्षा। और ये जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं फिर फेज 2 यानी कि मुख्य परीक्षा आप देते हैं, 200 अंकों का जो है ये मुख्य परीक्षा होती है और साथ ही साथ 50 अंकों का डिस्क्रिप्टिव होता है। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, चाहे वो फेज 1 की बात करें या फेज 2 की। यहाँ पे फेज 2 में 50 अंकों का डिस्क्रिप्टिव भी होता है, 200 अंकों का ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और 50 अंकों का डिस्क्रिप्टिव रहेगा।
आगे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जब फेज टू आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर फेज थ्री आता है जो 50 अंकों का होता है, जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू होता है, टोटल 50 अंक होते हैं, और उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, वो फेज टू और फेज थ्री के अंकों को जोड़ के जो है यहाँ पर फाइनल मेरिट बनेगी। यानी कि फेज वन के जो अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जाम का। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन ये टेस्ट होता है, यानी कि इसमें तीन सेक्शन होते हैं और हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग समय दिया होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 अंक होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 20 मिनट्स मिलता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मिनट्स मिलता है। रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 35 जो है क्वेश्चंस होते हैं और 20 मिनट्स मिलता है, यानी कि एक घंटा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4, यानी कि 1/4 जो है भाग आपका काट लिया जाएगा यहाँ पे अगर कोई भी उत्तर आप यहाँ पर गलत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहती है, और लगभग 10 गुने कैंडिडेट्स यहाँ पे मेंस फेज टू के लिए जो है यहाँ पर क्वालिफाई कराए जाते हैं। नाउ फेज टू के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है। ठीक है, यानी कि सेक्शनल जो मार्क्स है विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जाम। ये अगर मैं बात करूँ 200 अंकों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है ऑनलाइन, और 50 अंकों का डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप, तो 3 घंटे का समय होगा, 4 सेक्शन रहेंगे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। तो टोटल 155 क्वेश्चन होंगे 200 अंकों के, 3 घंटे का समय मिलेगा, और सेक्शन वाइज हर सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पर समय निर्धारित है। राइट, डिस्क्रिप्टिव जो पेपर रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, उसमें आपको एसे निबंध लिखना होगा, लेटर राइटिंग एंड एसे, उसमें आपको लेटर और एसे लिखना होगा। 2 क्वेश्चन होंगे 50 अंकों के, 30 मिनट का समय दिया जाएगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा यानी कि लिखने वाला। राइट, नाउ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो जो आप फेज टू में जो है यहाँ पर मार्क्स स्कोर करेंगे उसको यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा, और लगभग 3 गुने कैंडिडेट्स जो मेंस क्वालिफाई करेंगे वो फेज थ्री के लिए यहाँ पर जो है जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मिनिमम एग्रीगेट यहाँ पर जो क्वालिफाइंग स्कोर है जो बैंक द्वारा यहाँ पर जो है बताया जाएगा कि इतना तो स्कोर आपको करना ही होगा। राइट, नाउ फेज थ्री, यहाँ पर 3 चीजें फेज थ्री में होगी, एक तो साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका 20 अंकों का ग्रुप एक्सरसाइज होगी, 30 अंकों का इंटरव्यू होगा, यानी कि टोटल 50। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें फाइनल सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन में देखिए फेज टू और फेज थ्री दोनों के अंकों को जोड़कर यहां पर जो है मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है, जो कैंडिडेट्स यहां पर क्वालिफाई करेंगे, और फाइनल मेरिट जो है आपकी वो 100 अंकों को जो है यहां पर 100 अंकों में से बनेगी। अब किस प्रकार से बनेगी, जैसे फेज टू मेन मुख्य परीक्षा 250 अंकों की है, और फेज थ्री आपका 50 अंकों का है, यानी कि 250 और 50 हो गए 300, इनको जो है 250 को 75 में कन्वर्ट कर देंगे और 50 को 25 में, यानी कि यहाँ पर जो टोटल है 100 अंकों का जो है यहाँ पर आपका ये रहेगा, और फाइनल मेरिट जो है आउट ऑफ 100 आपकी यहाँ पर बनने वाली है। राइट, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के द्वारा जो है यहाँ पर आपको 100 अंकों में इसको कर दिया जाएगा। नाउ प्री एग्जाम सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी रहेगा। अगर मेंस के एग्जाम सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जर्नल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज जो लेटर और एसे राइटिंग रहेगा। राइट, अब सैलरी कितनी मिलेगी, देखिए जो आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे है, बेसिक पे की बात कर रहा हूँ मैं, 41,960 प्लस उसके साथ महंगाई भत्ता जो कि लगभग 42% अभी चल रहा है, तो लगभग 16,500 टाइप जो है आपको यहाँ पर डीए मिलेगा, और उसके बाद एच आर ए है एज पर क्लास ए बी यानी एक्स वाई जेड सिटी के अनुसार, यानी कि बेसिक पे का लगभग 27%, अगर आप दिल्ली में पोस्टिंग जाते हैं तो 27% बेसिक का आपको यहाँ पर एच आर ए भी मिलेगा। ठीक है, तो लगभग 10,000 के लगभग आपको एच आर ए मिल जाएगा अगर आप दिल्ली में पोस्टिंग रहेंगे, तो 10 और 16 लगभग 26 और 42 लगभग, ये तो काफ़ी अच्छी सैलरी जो है आपकी यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग लगभग मान के चलिए 70,000 आपकी कम से कम जो है यहाँ पर सैलरी बनेगी। राइट, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको पीएफ, कंट्रीब्यूटेड पेंशन फंड, एनपीएस, एलएफसी, मेडिकल फैसिलिटी, रेंटल फैसिलिटी और जो अदर जो परक्यूशीट्स है एंड अलाउंसेस है वो यहाँ पर जो है मिलेंगे। राइट, नाउ एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया रहेंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ज्वाइन करने के बाद पोस्टिंग कहाँ होगी, तो मैं बता दूं एसबीआई पीओ के लिए ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आपके स्टेट में ही आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। राइट, तो कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप पोस्टिंग यहाँ पर आपको मिल सकती है। नाउ
प्रिपरेशन कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले सिलेबस आपको ध्यान में रखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, और 5 से 10 सालों के प्रश्नों का जो है आपको यहां पर विश्लेषण करना है जो पिछले वर्षों के होंगे। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, और टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण इलाज यहाँ पर जो है पहले प्रयास में पीओ बनने के लिए काफी जो है यहाँ पर हेल्पफुल रहेगी। तो ये अगर आप पॉइंट फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप जो पहले प्रयास में ही बैंक पीओ आप बन सकते हैं SBI। नाउ अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, और आपको कोई भी सवाल हो कमेंट में जरूर पूछें, अपना फीडबैक जरूर दें, किस टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब।